नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश पहुंचे सीतामढ़ी, करोड़ों की दी सौगात। पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू, 600 से अधिक कंपनियां शामिल। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की बड़ी बैठक, काम सूत्र के निर्देशिता बने नीतीश। गिरिराज सिंह का तंज, पीएम मोदी की गारंटी, सबको साथ लेकर चलेंगे बोले मांझी। के पाठक पर भड़के पीके, बोले ऐसे नहीं सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। मांझी के शराब बंदी खत्म करने वाले दावे पर नीतीश के मंत्री का पलटवार। बीपीएससी ने 400 से अधिक अभ्यर्थियों से मांगा स्पष्टीकरण। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी मासिक परीक्षा, डेट जारी। पटना में छात्रा की हत्या मामले में हुआ बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। आज सीएम नीतीश सीतामढ़ी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत जिले के मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम का विकास एवं सौंदर्यकरण का भी काम किया जाएगा। इसमें मंदिर परिसर का सुंदर वास्तुशिल्प से सौंदर्यकरण, परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र, मंडप, पार्किंग क्षेत्र, आंतरिक सड़क आदि का निर्माण शामिल है। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब शुरुआत की गई है। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का शुभारंभ हुआ। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने इसका उद्घाटन किया। पटना में अगले दो दिन तक देश विदेश के नामचीन उद्योगपति मौजूद रहेंगे। समिट में नामी गिनामी 600 कंपनियों के सीनियर प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बिहार में निवेश की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास वो कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री व अधिकारियों के साथ इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। इस समिट में 16 देशों के दूतावास के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। समिट के चौथे सत्र में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो दूसरे दिन प्लेनरी सेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में 29 दिसंबर को दिल्ली में नीतीश कुमार ने जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है। इसमें सीएम नीतीश के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बैठक का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो आगामी चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सियासी गलियारों में से लेकर खूब चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सीएम नीतीश को खूब सुनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काम सूत्र का नया रचयिता करार दिया है। गिरिराज सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस दिन नीतीश ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, उसी दिन से वे काम सूत्र के नए रचयिता बने, उसी दिन उनका अंत हो गया था। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की वाराणसी में 24 दिसंबर को प्रस्तावित चुनावी रैली पर भी तंज कसा और सीएम नीतीश को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इसका असर अब बिहार में भी दिख रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि भाजपा हमेशा सवर्णों को तवज्जो देती है। इस बात का खंडन करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी गारंटी है, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां सवर्ण और दलित सबको समान अधिकार दिया जाता है। उन्होंने लालू यादव पर भी तंज कसा और कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात आए तो वह सिर्फ तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जनसुराज यात्रा पर है। जनसुराज यात्रा के दौरान आज वो दरभंगा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने के पाठक को खूब सुनाया। के पाठक के फरमानों पर भी खूब बरसे। पीके ने साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो बिहार का शिक्षा विभाग कभी नहीं सुधरेगा। उन्होंने बिहार के नेताओं को भी सुनाया और कहा कि समाज का कोई नेता नहीं चाहता कि शिक्षा में विकास हो, बच्चे पढ़कर यहां कलेक्टर नहीं बनते, मजदूर बनते। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शराब वाले बयान पर इन दिनों बिहार में खूब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो बिहार में शराब चालू कर देंगे। इस पर कांग्रेस और राजद के बाद जेडीयू नेता और विभागीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री सुनील कुमार ने जीतन राम मांझी पर पलटवार किया और जीतन राम मांझी के बहाने ही मंत्री सुनील कुमार ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। मद निषेध मंत्री ने कहा कि जीतन राम मांझी ने भी बिहार में शराबबंदी के पक्ष में अपनी सहमति जताई थी, वोट भी डाला, तब हम लोगों के साथ थे, वे तो कुछ नहीं बोले, अब बीजेपी की गोद में चले गए हैं, जाहिर है उनकी प्रतिक्रिया हम लोगों के विरोध में ही रहेगी।
बिहार में बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया था, इसके बाद अब 400 से अधिक अभ्यर्थियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 479 अभ्यर्थियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा है कि इनके द्वारा दी गई आपत्ति बीपीएससी की सूचना व शर्तों पर खरी नहीं उतरी है, यह बीपीएससी की शर्तों के अनुसार नहीं है, इसलिए उन्होंने बीपीएससी के आदेशों का उल्लंघन किया है। साथ ही बीपीएससी के बहुमूल्य समय को भी नुकसान पहुंचाया है। इस अभ्यर्थियों के बारे में बीपीएससी ने जानकारी दी है कि इन्होंने आयोग की छवि को खराब करने की कोशिश की है, इस कारण आयोग की इनके खिलाफ फैसला लेने के लिए बाध्य है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा को लेकर नया अपडेट आया है। सरकारी स्कूलों में 28 दिसंबर से मासिक परीक्षा ली जाएगी, इसको लेकर बोर्ड ने जानकारी साझा की है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मासिक परीक्षा ली जाएगी, इसके लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि छात्र छात्राओं का एग्जाम दो पालियों में होगा। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक पहली पाली, तो दूसरी पाली 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ली जाएगी। नौवीं की परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर से होने वाला है। पटना के मसौढ़ी में बीते दिनों कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि सनकी आश्रित ने एक तरफा इश्क में कोचिंग जा रही छात्रा को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतिका सनकी आश्रित के प्यार का विरोध कर रही थी, जिससे आक्रोशित युवक ने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।